नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। कैथल में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला क्या है। एक परिवार जो बॉम्बे रहता था, जो छुट्टी लॉकडाउन के बाद जो है वहाँ कामकाज नहीं था, उसके बाद वो कैथल के लिए बॉम्बे से कैथल के लिए आया, जो कि करनाल उतरा, जहाँ पर उसका पूरे परिवार का जो है कोरोना टेस्ट किया गया, जहां पर पूरे परिवार में से एक 4 साल का बच्चा जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तमाम तस्वीरें इस समय कैथल के सिविल हॉस्पिटल की हैं, जहां पर उनके परिवार को जो है लाया गया है, जहां पर उनका चेकअप किया जाएगा, आइसोलेट में रखा जाएगा और उसके बाद जो है पॉजिटिव केस जो है उसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन जहाँ जिस तरह से बॉम्बे से वो करनाल उतरे, तो करनाल में जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है उनका जाँच की गई, टेस्ट लिए गए, जहाँ पर एक 4 साल का बच्चा जो है कोरोना पॉजिटिव पाया, जो कैथल के गांव मालखेड़ी के रहने वाले थे। पूरे परिवार में जो है माँ बाप और उसके चाचा की अगर बात करें जो बॉम्बे से आए थे, और खुद वो बच्चा जो 4 साल का बताया जा रहा है जो पॉजिटिव पाया गया है, तीनों परिवार चारों परिवारों के जो सदस्य थे उनमें 3 के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं, और एक 4 साल का जो बच्चा है जिसका सैंपल लिया गया और जो कि पॉजिटिव पाया गया है, जिसको अब सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है और आइसोलेट जो है किया गया। लेकिन जहां तमाम जानकारी के लिए हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी जानेंगे कि क्या कुछ पूर्णतः मामला है और क्या कुछ जानकारी वो देना चाहेंगे। लेकिन कैथल से बड़ी खबर आपको बता दें कि कैथल में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला जो है सामने आया, जिसमें 4 साल का एक बच्चा जो है वो पॉजिटिव पाया गया, जो बॉम्बे से परिवार के साथ कैथल के गाँव मालखेड़ी में आ रहा था, जिसका करनाल में जो है जाँच की गई और जाँच में पूरे परिवार का जो है सैंपल जो है नेगेटिव पाए गए, और लेकिन एक 4 साल का बच्चा वो पॉजिटिव पाया गया था। 4 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हिस्ट्री है? ये जो मामला आज संज्ञान में आया, मालखेड़ी का एक 4 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो इनकी हिस्ट्री है, ये मुंबई से बाई ट्रेन आए थे करनाल में। करनाल प्रशासन द्वारा इनका कोविड का टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आज ये सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में इनको अभी रखा हुआ है, और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो हमारा कोविड-19 का डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट करने की इसकी जो है प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है कार्रवाई। सर कितने लोग आए थे, कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए, अभी ये पॉजिटिव केस एक ही आया है, जो कि वहाँ से करनाल प्रशासन से हमें सूचना मिली है। इसके अलावा उनके साथ कितने आदमी थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे, इस प्रकार की कोई सूचना?